कुछ ना दी रिक्वेस्ट आगे बोल मैडम मेरा नाम कमर जहाँ सिद्दीकी है, मैं वार्ड क्रमांक 34 से हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हूँ। आज बात करें, आज यहाँ पहुँचे हैं, हॉस्पिटल में क्या है? हॉस्पिटल में आज ये एनजीओ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुंदरी ठाकुर जी और उस्मान भाई, दिलशाद भाई, आदिल भाई, इन सब की ये एनजीओ टीम है, वाकई काबिले तारीफ़ है। रियली वी अप्रिशिएट, ऐसे एनजीओज अगर आगे आके इस तरह से सोशल वर्कर करें, अच्छा काम करें, तो वाकई में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे यहाँ के पेशेंट्स को भी तकलीफ़ नहीं होगी और सबको हेल्प भी मिलती रहेगी। और रियली इट्स वेरी गुड वर्क दे आर डूइंग। आज तो फल बांटे गए हैं, बिस्किट बांटी गई है, फ्रूटी बांटी गई है सब पेशेंट्स को। ये कब से आप करते आ रहे हैं ये सब चीज़ें? अगर सोशल वर्क तो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। बात करें, आपको एटमोसफेयर कैसा लगा हॉस्पिटल का? सबसे बड़ी बात है, एक मंत्री के लिए अगर अंदर विजिट करता है मंत्री, तो उसको अंदर का बांटने के साथ साथ उसका माहौल भी अंदर कैसा लगा? उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। क्या कमी लगी आपको? कमी तो लगी कि थोड़ा सा साफ़ सफाई के मामले में भी लगा थोड़ा सा, और जो कमियां भी मैं बात करके बैठूंगी और फिर मैं उसको पूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ लोगों ने आपके सामने शंका जाहिर की कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जिससे देख के कोई मंत्री आया उसके सामने अपनी बातें रखते हैं, शिकायतें करते हैं, कुछ ऐसे लोग मिले आपको? जी हाँ, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब मरीजों से मैंने मिली तो कुछ तकलीफ़ें जैसी उनकी है कि सर्विस जो उनको बराबर है, चेकअप वगैरह बराबर है, तो बराबर उनको नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी इनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ इनको दिलाई जाए। आपके भाई साहब हैं जो मलाड से काफ़ी, हर मतलब गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई उनकी तारीफ़ करता है, वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो मतलब मलाड से यहाँ तक आप बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या कहना? काम ही हमारी पहचान शेख, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम सब ये काम करते आ रहे हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें सब एक ही हमारा मोटो होता है कि सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखना, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही हमारी है। आप क्या कहना पहचान है? आपका नाम? उसके बाद में हम लोग करेंगे ना, अभी नीचे सब आएंगे, अभी उनको जाने दो, तो इसके लिए लेट हो रहा है, बाद में करते हैं। चलो मैडम, थैंक यू। ये हम भाई बहन हमेशा तैयार रहते हैं। मलाड में हर छोटे से लेके बड़े तक हर जगह नाम रहता है, जब बर्थडे रहता है भाई का, हर जगह पोस्टर, कोई ऐसी जगह नहीं रहती कि नाले से लेके हो, सिनेमा घर से लेके कहीं भी, तो क्या ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये आपकी दुआएं और मोहब्बत है हमारी पब्लिक की, हमारी जनता की, हमारे चाहने वालों की, और काम ही हमारी पहचान है, आप सबकी दुआओं से ही आज हमें ये सब मुकाम मिला है। अभी नया प्रोजेक्ट क्या चल रहा आपका, अगर बात करें कुछ? अभी मेरे वार्ड में 34 में मैंने 80 बेड का हॉस्पिटल पास करवा लिया है, मेटनरी अब्दुल कलाम मेटनरी हॉस्पिटल है, वो बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा, 80 बेड का है, फुल फ्लैज हॉस्पिटल होगा, NICU वगैरह सब होगा, और एक स्कूल है, टाउनशिप स्कूल है, उसको जो बैठी चाल की थी उसको मैं पाँच माले की बिल्डिंग उसमें बना रही हूँ, और फुल फैसिलिटीज़ के साथ में बच्चों को एडुकेशन मिलेगा, क्योंकि एडुकेशन इज़ मस्ट, और एडुकेशन है तो हर चीज़ की जागरूकता है, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को आगे तरक्की मिलती है, सोच समझ में अच्छे विचार मिलते हैं, और पढ़ाई से ही, क्वालिफिकेशन से ही जो है आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती है, और आपके जो है ब्रॉड माइंडेड आप हो जाते हो, और आज की तारीख में बेटियां पीछे ही नहीं हैं, बेटियां हर कदम में आगे हैं, आज तो बेटी चांद पर भी पहुंच गई है, तो अपनी बेटियों पे आप भरोसा कीजिए, उनको एडुकेट कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनका साथ दीजिए, तो देखना इंशाल्लाह हमारे यहाँ की, हमारे इंडिया की बेटियाँ भी सबसे टॉप में ही होंगी। बेटे तो आप मानते ही हैं, लेकिन बेटियाँ भी कम नहीं हैं आज की तारीख में। आज एक लेडीज़ का पर्व भी है, करवा चौथ है, और आप मिले लेडीज़, आप सबको करवा चौथ, जितनी महिलाएं, सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं मैं, और सदा सुहागन रहें, और मैं यही दुआ दूंगी, और सबको अच्छा, आपका करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से आपका त्यौहार मनाएं आप, और सब मिलजुल कर साथ में सुख शांति से रहें। थैंक यू। एस कपूर हॉस्पिटल में जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स होगी, जो कमियां होंगी, मैं पूरी कोशिश करके इसको सॉल्व करूंगी, और हर तरह की मुमकिन कोशिश करके मैं इसको पूरा फुल फ्लैच करके दूंगी, ताकि यहां के मरीजों को कोई तकलीफ ना हो। आपको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी कमियां हैं?
जी हाँ, कमियाँ तो हैं और इसीलिए तो हम आज की तारीख में बीएमसी से इस चीज़ के लिए लड़ते भी रहते हैं कि सारी कमियाँ पूरी करिए, और इसके पीछे भी लगे हुए हैं। मेरे फॉलोअप्स बहुत सारे हैं, मैंने पीओज भी उठाए हैं कि जगह जगह पर कि जहाँ जहाँ कमियाँ वो फुल फ्लेज करके दें, क्योंकि हमारे पास बीएमसी में फ़ंड बहुत है, लेकिन कुछ अधिकारियाँ अगर ठीक से काम करें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है।